5 months of दिल्ली में पत्नी भी बीमार थी तो सब दिल्ली ही लाए। बिहार के जमुई में मंगलवार की सुबह दरोगा प्रभात रंजन को बालू माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। इस घटना में उनकी मौत हो गई। इनके साथ एक होमगार्ड भी थे जो गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बिहार सरकार का एक्शन बहुत सामान्य होता है। इस घटना पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तो ऐसी बात कह दी कि शहीद दरोगा का पूरा परिवार भी हतप्रभ और दुखी है। जहां एक ओर शहीद के परिवार को बिहार सरकार के से न्याय की उम्मीद थी, वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं। आइए पहले शहीद दरोगा प्रभात रंजन के परिवार का बयान सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कौन है शहीद प्रभात रंजन। इसका बयान बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय। आज के उसके परिवार का सदस्य अगर इस तरह की घटना का शिकार होता तो उस तरह का स्टेटमेंट आता हो। पढ़ा लिखा है, एजुकेशन मिनिस्टर बिहार का, और नहीं सोचा जो हम क्या एस्टिमेट देने जा रहे हैं। शर्मानी चाहिए वैसे शिक्षा मंत्री को, पढ़ा लिखा आदमी है, शिक्षा मंत्री है बिहार का, और तब इस घटना पर जो है शहीद हो गया कर्तव्य पथ पर शहीद हो गया वो लड़का, और तब बयान देता है। इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। इसी दिन के लिए बिहार ने शिक्षा मंत्री तुमको बनाया था, इसी उद्देश्य के लिए सरकार से कम से कम 1 करोड़ रुपया और जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो हो, और मेरी तो है उसको जॉब चाहिए, इसको शहीद का दर्जा मिला। शहीद दरोगा प्रभात रंजन 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। वह वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के भगवानपुर खजूरी निवासी शिव नारायण साह के पुत्र थे। अभी वो जमुई जिले में अवर निरीक्षक के पद पर गरही थाने में तैनात थे। प्रभात रंजन अपने माँ बाप के इकलौते कमाऊ बेटे थे, उनकी सैलरी से ही परिवार चलता था। उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं। उनकी माँ बीमार हैं जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। प्रभात रंजन 2018 में दरोगा बने थे। अभी वो जमुई जिले के गरही थाना में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। मंगलवार की सुबह वो एक सिपाही के साथ गरही थाना के रोपावेल के पास गश्त पर गए थे। यहां उन्होंने बालू से लदे एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बेखौफ ट्रैक्टर वालों ने उनको कुचल दिया। घटना में उनकी मौत हो गई और सिपाही का इलाज चल रहा है। इस घटना पर पातेपुर के बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा कि शहीद प्रभात रंजन ने अपनी कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हुए कुर्बानी दे दी है। दुख का विषय है कि हम सभी ने एक होनहार लड़का खो दिया। उन्होंने सरकार से मांग किया कि शहीद की पत्नी पूजा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ दिया जाए। कर्तव्य पर निर्वहन करते हुए उन्होंने कुर्बानी दे दिया, ये हमारे पातेपुर के लिए और खाली यहाँ के लिए बहुत गौरवान्वित विषय है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात के है जिस परिवार ने एक लड़का को खो दिया और हम सभी ने एक होनहार लड़का को खो दिया, ये दुख का विषय है। हमारी संवेदना पूरी तरह इनके साथ है। मैं सरकार को मांग कर रहा हूँ कि भाई बालू माफियाओं के द्वारा इस लड़का को जान ली गई है। अब बिहार के अंदर बालू माफिया, दारू माफिया अगर इसी प्रकार जान लेते रहे, पुलिस प्रशासन के भय उसके मन के अंदर नहीं रहे, तो बिहार के लोग सुरक्षित कैसे रह पाएगा। इस घटना पर पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने कहा कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की और यह भी कहा कि जो भी इस घटना में शामिल है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पंचायत का लड़का प्रभात रंजन जी बड़ा ही मधुर स्वभाव के थे, हम लोग के सामने का जन्म है, उस परिवार से भी हम लोग का पारिवारिक रिश्ता था, और ये हमारे पंचायत ही नहीं हमारे प्रखंड तो बहुत बड़ा क्षति हुआ था। जिसने भी अंजाम किया उसको हम तो मांग करेंगे कि उस लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस घटना के बाद बिहार के प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों का क्या होगा। इस घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।